साहब लगा करके जब देखा तो परिणाम हमारे शून्य ही आया। ऐसा नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की, हमने तरक्की की है हत्या चोरी बलात्कार मर्डर के केसों में, मगर देश आज भी उसी स्थिति में है। शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते हैं तो इस देश की स्थिति कुछ अलग होती, मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैन ऑफ आइडिया सुभाष जी जेवरिया, जिन्होंने इंडिया के लिए क्रिप्टो करेंसी निकाली है एटीसी कॉइन। एटीसी कॉइन अप्रैल में शुरू हुआ, एक रुपये से लेकर आज 85-90 रुपये तक हो गया, और दोस्तों आने वाले 2020 तक कॉइन 20,000 रुपये में चले जाएगा। मेरा सबसे यही निवेदन है कि जितना हो सके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें और अपने भविष्य को बनाए, क्योंकि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। आपके मोबाइल डिजिट होते हैं उसी तरह के डिजिट होती है वो आपके मोबाइल में रहती, चाहे बैंक कोई भी फेल हो जाए भग जाए उसमें आम आदमी का पैसा नहीं जा सकता है। इसलिए आने वाला समय डिजिटल करेंसी का है और आप लोगों को डिजिटल करेंसी अपनानी चाहिए, और गरीब से गरीब आदमी भी 5,000-10,000 का एटीसी कॉइन लेकर के आने वाले समय में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। सर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आप इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप आने भूल जाओ? नहीं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है बोलना इसलिए है कि आज अगर आप पैसे डालते हैं किसी को 5-10 रुपये के सेकंड कॉइन बेच देते हो, इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। अगर आप कॉइन को 2-3 साल होल्ड करके रखते हो, बिटकॉइन हुआ जैसे कि 2009 में 6 रुपये था, आज 14 लाख के पास चला गया, इसी तरह ये एटीसी कॉइन भी 2020-21 तक 10-20 हज़ार 50 हज़ार के पास चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके एटीसी कॉइन ले और एटीसी कॉइन में इन्वेस्ट करें। हमारे गाँव के महिला को एटीसी कॉइन के बारे में बताओ तो बेहतर जानकारी होगी।